www.pujankaro.com में आपका स्वागत है। ये आप देख सकते हैं कि यमुना नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है, घाटों तक पानी ऊपर चढ़ गया है। आमतौर पर ये घाट सूखे और सूने पड़े रहते हैं और यहाँ ऊपर तक पानी जो है भर के आ चुका है, सीढ़ियों पे पानी आ चुका है। ये आप देख रहे हैं ये घाट पर किस तरह से यहाँ लोग बाग भजन कर रहे हैं। ये यमुना महारानी का एक दृश्य है, मंदिर है, और ये आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो कैसे छलकियां मार रहा है। ये देखिए एक विहंगम दृश्य यमुना नदी का, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर भजन होता हुआ घाट पर ही। देखिए यहाँ पर भजन होता हुआ, ये देखिए यहाँ पर लबालब पानी पानी भरा हुआ चारों तरफ। ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी एकदम भरा हुआ है। पानी का फ्लो बहुत तेजी से मथुरा की तरफ बढ़ रहा है। ये यमुना नदी का जो ये पानी है यह दिल्ली की तरफ से आता हुआ और यह मथुरा की ओर प्रस्थान करता हुआ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। घाट पर ही यह हनुमान बाबा का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो है पूजा हो रही है। यमुना आरती का एक विहंगम दृश्य है। पूरे विधि विधान से पूजा करवाते हुए यमुना नदी की आप देख सकते हैं। ये पानी किस तरह से जो है यमुना नदी का लबालब यहाँ पर पानी पानी भर गया है। अगस्त का महीना है, वर्षा अपने पूर्ण शवाब पर है इस समय। बहुत वृंदावन मथुरा में बहुत तेज बारिश हुई है, ये आप देख सकते हैं। काफी दिनों से बारिश होने की वजह से घाट पर ऊपर तक पानी भर आया है। आमतौर पर यह घाट की सीढ़ियां नीचे तक दिखाई पड़ती हैं और यमुना नदी का पानी दूर रहता है घाटों से, लेकिन इस समय घाट पर पानी एकदम किनारे तक टच कर रहा है और सीढ़ियों पर चढ़ आया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और यह नज़ारा प्राचीन काल की एक झलक देता है, जब प्राचीन समय में घाटों पर पूजा हुआ करती थी और यमुना नदी घाटों से लगी हुई बहती थी। ये आप देख सकते हैं ये घाट बना हुआ, कितना खूबसूरत यह दृश्य है। सामने सूर्य महाराज अपनी किरणें जल में छितरती हुई, जल से सूर्य की किरणें, साथ ही आप देख सकते हैं स्टीमर, दूर चलता हुआ एक स्टीमर फुल स्पीड पर किस तरीके से एक पार से दूसरे पार जा रहा है। अभी वृंदावन में बहुत कुछ अभी बदल चुका है, गगनचुंबी अट्टालिकाएं आप देख सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, गगनचुंबी अट्टालिकाएं ये आप देख सकते हैं, बीच में मंदिर भी नजर आ रहे हैं। ये गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, वृंदावन की खासियत बन चुकी हैं अभी। ये आप देख सकते हैं जल का समुन्दर उमड़ आया है अगस्त के महीने में भारी वर्षा के कारण, किस तरीके से जल जो है वो घाट की सीढ़ियों को आके छू रहा है। और अगर इसी तरीके से अगर बारिश अगर होती रही, वर्षा होती रही, तो यह जल जल्दी सीढ़ियों को क्रॉस करके पार करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। अब हम दूर से जो स्ट्रीम गंगा की जो नदी नहर नजर आ रही है उस पर हम जूम इन करेंगे। आप देखिए या आप देख सकते हैं दूर से आती हुई एक नाव नजर आ रही है,
ऐसा लगता है कि वो इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं से ही निकली है। आप ये देख सकते हैं किस कदर यहाँ जल ही जल भरा हुआ है दूर दूर तक। ये मदन मोहन जी का मंदिर है जो कि दूर से जूम इन करने पर नजर आ रहा है। ये देखिए पानी एकदम घाटों की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ आ चुका है। जल का समुन्दर सैलाब उबड़ आया है यमुना नदी में। ये देखिए ये एक नाव जो कि इस पार से उस पार जाती हुई, और ये नाविक जो है इसको खेता हुआ, इसमें कुछ लोग सवार हैं। धीरे 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 नाविक जो है इसको नाव को खेकर लाता हुआ। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण बहुत ताकत लगानी पड़ रही है उसको, बहुत ज़्यादा ताकत। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बैक हैंड और फोर हैंड दोनों में उसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। यमुना के उस पार माट गांव स्थित है, साथ ही वहां पर लक्ष्मी जी का बेलवन भी स्थित है। बहुत ही अद्भुत दृश्य ये यमुना नदी का। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग बाग दूर दूर तक घाट के बुर्जों पर बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं और इस सुंदर नज़ारे का अवलोकन कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी पूजा में व्यस्त है और हरि नाम जप भी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वह दूर से आने वाली नाव जो गगनचुंबी अट्टालिकाओं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो उगे हुए झाड़ झंकाड़ों में कहीं खोती जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वह नाव दूसरी तरफ घाट के दूसरी तरफ चल पड़ी है, और ये आप देख सकते हैं कि अद्भुत नज़ारा, सूर्य छुपने की ओर है और इस तरह का स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती हुई। ये आप देख सकते हैं जल में उसका रिफ्लेक्शन लाइट का, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। किस तरीके का ये एक अद्भुत दृश्य है। और ये आप देख सकते हैं कुछ बादलों की टुकड़ियां नजर आ रही हैं। दो दिन अभी खूब बारिश हुई है यहाँ, शुक्र शनिवार और इतवार 22-23 वृंदावन में 21-22-23 अगस्त। बहुत ही अद्भुत दृश्य। ये देखिए गगनचुंबी अट्टालिकाओं से एक और नाव निकलती हुई दूर एकदम, ये जाती हुई बहुत दूर है यह जगह, और साथ ही एक और स्टीमर ये हमारे पास ही शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं इसकी आवाज भी आ रही है उसकी मोटर की। इसकी मंजिल क्या है यह तो साहिल को ही पता होगा। यह देखिए यह स्टीमर चलता हुआ। यह हमारी तरफ ही आ रहा है, यह स्टीमर हमारी तरफ ही आता हुआ, और इतना जूम इन मैंने कर रखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसी में बैठा हुआ हूँ। वर्चुअल रियलिटी की फीलिंग दे रहा है। और ये देखिए इसने अब अपोजिट डायरेक्शन में स्टीमर मोड़ लिया है। बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है ये, जिस तरीके से एक हाथ से वो खाली लीवर को हैंडल किए हुए और स्टीमर को मोड़ के चला रहा है। ये आसान काम नहीं है इतने भरे पानी में स्टीमर को मोड़ना और चलाना। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यमुना नदी में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस समय यमुना नदी में, जो जल उमड़ता हुआ भारी बारिश की वजह से। ये आप देख सकते हैं एक और नाव दूर नजर आती हुई।
जो कि दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही है। इस तरीके के और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें www.pujankaro.com। ये देखिए कितने गहरे पानी में कुछ तैराक अपनी तैराकी कला का प्रदर्शन करते हुए, बिल्कुल ओलंपिक के तैराकों की तरह। ये तैराक माहिर होते हैं गहरे से गहरे पानी में छलांग लगाने में, ये ऊपर से भी छलांग लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं इनको कितना मज़ा आ रहा है, साथ ही इनको डर भी नहीं लगता है इतने गहरे पानी में। इस समय बहुत पानी है यहाँ, कम से कम 4 हाथी के बराबर पानी होगा, 4 हाथी के हाइट के बराबर पानी होगा यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत दृश्य। इस तरीके के दृश्यों को देखने के लिए देखते रहें www.pujankaro.com।